लेकिन बाबा इस गुफा में तो बहुत सारी आग लगी है। फिर भी केविन को बचाने के लिए हमें इस गुफा में जाना ही होगा। बाबा सबके लिए सुरक्षा कवच बना देते हैं। जब तक हम सुरक्षा कवच के अंदर है, हम इस आग से नहीं जलेंगे। अरे वाह। रॉड, चीनू, टीनू, तुम लोग ध्यान रखना, अगर तुम लोग सुरक्षा कवच से बाहर निकलोगे तो तुम लोग जल जाओगे। ठीक है बाबा, हम बाहर नहीं निकलेंगे। रॉड, चीनू, टीनू और बाबा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक टनल से नीचे जा रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग मम्मी की दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम लोग मम्मी की दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वो देखो बाबा, मम्मी ने केविन को पकड़ के रखा है। चलो जल्दी से इसे मार दो। नहीं मम्मी, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो। सीधी तरह से केविन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ बुड्ढे, ज्यादा होशियारी मत मार, नहीं तो तुझे यही मार कर खा जाएंगे। अबे ओ मम्मी, तुम लोग ज्यादा होशियारी मत मारो, हमारे बाबा बहुत खतरनाक है, देखना अभी मार कर तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। लगता है अब इन लोगों को मारना ही होगा। मैं तुम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बना देता हूँ, नहीं तो मम्मी तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। लगता है बाबा अकेले मम्मी को नहीं मार पाएंगे, मैं भी मम्मी को मारने जा रहा हूँ। अले बापले, अले बापले, अले बापले। ये मम्मी तो बहुत खतरनाक है। तुम लोगों ने केविन को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुम लोगों को अपने करंट से जला कर मार दूंगा। बाबा सारी मम्मी को अपने करंट से जला कर मार देते हैं। बाबा ने सारी मम्मी को मार दिया। रॉड, चीनू, टीनू और बाबा केविन को वापस अपनी दुनिया में लेकर आ जाते हैं। फिर रॉड, चीनू, टीनू और बाबा खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।